रहे हैं ONGC की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक जो है हमको ऑलमोस्ट 3% तक के अपसाइड के साथ इस वक्त 294.55 पैसे पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद 280 के लेवल से सपोर्ट लेकर एक जंप आया, अगेन गिरावट आई, इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, सेम सपोर्ट पर सपोर्ट लिया। तो हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकता है, लेकिन 300 का जो लेवल है इसका रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसका अगर ब्रेकआउट कर जाता है 300 के लेवल को तो क्लियर कट फिर यह हमारे लिए अप ट्रेंड का सिग्नल रहेगा। तो नीचे की ओर 280 मेजर सपोर्ट है, अगर ब्रेक डाउन कर गया तो 270 तक का भी फिर फॉल स्टॉक दिखा सकता है। जो लो देख पा रहे हो आप, जहाँ से गिरावट के साथ बाउंस बैक किया था 270 का लेवल, यहाँ तक का भी फॉल दिखा सकता है। लेकिन जिस तरह से आज के दिन में बायर्स हमको एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, यहाँ से इमीडिएट टारगेट है 300 का लेवल, जो कि इसका रेजिस्टेंस है, और ब्रेकआउट के चांस अब बनते नज़र आ रहे हैं। बाइंग देखिए किस तरह से आई है, तो ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। 300 इमीडिएट टारगेट है, ब्रेकआउट कर जाता है तो अगला टारगेट 310 का लेवल, और 310 के ब्रेकआउट के बाद 320 तक के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। फिर 320 का जो लेवल है वो ONGC के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ तक का जंप हमको स्टॉक में देखने के लिए आप मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।